आप लोग नाकारा हैं। आप तमाम लोगों को चिड़ियां पहनकर बैठना चाहिए असेंबली के अंदर। अगर हमारी शरीयत को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उनका फैसला जूती के नोक पर रखेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। ये वही बात हुई दीवाना उठा मलिला कुटे के जैसा। पुलिस डिपार्टमेंट वाले स्कूल्स में जाकर हिजाब निकालने के वास्ते तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तुम हमारे टैक्स के पैसों से जी रहे हो। पुलिस का सबसे पहले पी का मतलब है पोलाइटनेस, तुम्हारे अंदर है। एक DDPI PhD पढ़ता है, PhD पढ़कर DDPI बनता है। डेप्यूटी कमिश्नर अभी चाहे 4 दिनों आकर आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। सभी लड़कियों का ओपन करके हिजाब निकाला गया और उनका वीडियो बनाया गया। आज सुबह जाकर CM से मुलाकात करते हैं। शर्म आना आप लोगों को, इतना बड़ा मसला औरतों के लड़कियों को जो हिजाब छीना जा रहा है इसके बारे में आप लोग अभी तक बात नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कानून को मानना चाहिए। बेशक हम कानून को मानते हैं, हमारे अब तक कोई भी नहीं मानता। DDPI की इतनी शर्मनाक वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास, शर्मनाक बात रहने के बावजूद भी हम डेमोक्रेटिक वे में यहाँ पर आए हुए हैं। कल के बाद आज फिर सुबह से तकरीबन तमाम विलेजेस से फ़ोन आ रहा है। ये वही बात हुई दीवाना उठा मलिला कुटे के जैसा। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये तमाम लोग मिलकर, ये लोग या तो मेंटली चैलेंज है या तो स्कूल दोपहर तक पढ़कर आए हुए लोग हैं। ये लोग करप्शन के ज़रिए से ऊपर आकर बैठे हुए हैं, ऐसा ये पूरा प्योर ये प्रूफ लगता है। पुलिस ASI और पुलिस डिपार्टमेंट वाले स्कूल्स में जाकर हिजाब निकालने के वास्ते तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तुम हमारे टैक्स के पैसों से जी रहे हो और हमारे टैक्स के पैसों से जीकर हमारा तुम्हारा काम क्या है? पुलिस का सबसे पहले पी का मतलब है पोलाइटनेस, तुम्हारे अंदर है, थोड़ा चेक कर लो उसका मतलब क्या होता। और उसके बाद आप लोग जाकर ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ पर, लड़कियों को, जिन लड़कियों को ये हाईकोर्ट खुद कहता है कि वहाँ स्कूल के अंदर जो SDMC है वहाँ पर ये अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ CDC जहाँ पर है वहाँ पर अप्लीकेबल है, तो तुम लोगों को और एक बार पढ़ना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को पढ़कर ये चीज़ें करना चाहिए। और सेकेंड चीज़, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर खुद DDPI को आज सुबह कॉल कर पूछते हैं हम, आपके पास ऑर्डर कहाँ से आया, आपके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई? जब हम सवाल पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था और वो TV चैनल पे देखा था। तो मैं उनको ये बात बोला, कहाँ तक पढ़े सर आप कहाँ तक पढ़े? एक DDPI PhD पढ़ता है, PhD पढ़कर DDPI बनता है। लगता है आप आधे घंटे दोपहर तक पढ़कर इस पोजीशन पे आए हैं, ऐसा लगता है। तो एकदम ये ऑफिसर्स, इनको कुछ नहीं मालूम। इवन देखिए IAS ऑफिसर, एक डेप्यूटी कमिश्नर अभी चाहे 4 दिनों आकर आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। इन्होंने आकर सीधा एक उर्दू स्कूल में जाकर वहाँ पर सभी लड़कियों का ओपन करके हिजाब निकाला गया और उनका वीडियो बनाया गया। तो ये सरासर गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं और इन तमाम लोगों को हम लोग ये कोर्ट को लेकर जाएंगे। और आज हमारे एडवोकेट ये DC के खिलाफ, DDPI के खिलाफ और तमाम जो सो कॉल्ड चैनल्स हैं उनके खिलाफ एक एफिडेविट भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिए हैं और कोर्ट में भी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सब सेकेंड चीज़ ये जो मैं जो इनको कहना चाहता हूँ, मुस्लिम लड़कियाँ स्कूल को जाने के लिए स्कूल में वापस आ रही है हिजाब निकाल कर, ये जो गुल जमात के लोग बड़े बड़े मीटिंग्स करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, हम मुसलमानों के खैर खां हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, JDS पार्टी के लोग और भी बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, ये सब लोग कहाँ पर हैं? आज असेंबली सेशन हुआ, आपको चाहिए था, कल भी असेंबली सेशन था। अगर ये इशू दूसरी कौम का रहता तो असेंबली सेशन तो छोड़ो, अंदर सीढ़ी तक चढ़ने नहीं देते थे वो लोग। आप लोग नाकारा हैं। आप तमाम लोगों को चिड़ियां पहनकर बैठना चाहिए असेंबली के अंदर। आप लोग नाकारा हैं। और आज आप सुबह जाकर, कल रात में हमारा बयान आने के बाद, कल रात में पूरे लोग ये करने के बाद आज सुबह जाकर CM से मुलाकात करते हैं। शर्म आना आप लोगों को। और आपका जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट DK शिवकुमार, ओपनली कहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी बात नहीं करना हिजाब के ताल्लुक से। बात करेंगे तो मैं उन तमाम लोगों की इंक्वायरी करूँगा, उनके ऊपर एक्शन लूँगा। अरे शर्म आना आप लोगों को, इतनी मजबूरी से आप लोग
पार्टी में रहते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर या दूसरे पार्टियों के अंदर, तो शर्म आना चाहिए। आइए, हमारे पास दरवाज़ा खुला है, हम आपको हमारे कंधे पर बिठाकर जिताकर भेजेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अवाम को समझना है। और मैं उलमा इकराम से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों का स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा मसला हो रहा है, इतना बड़ा मसला औरतों की, लड़कियों को जो हिजाब छीना जा रहा है, इसके बारे में आप लोग अभी तक बात नहीं करे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। इमीडिएटली तमाम लोग अपने अपने बयान देना है और ये कहना है, चाहे हमारे खिलाफ आओ या हमारे हक में आओ फैसला, अगर हमारी शरीयत को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उनका फैसला जूती के नोक पर रखेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। और ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कानून को मानना चाहिए, बेशक हम कानून को मानते हैं, हमारे तक कोई भी नहीं मानता। अगर यही चीज़ किसी कौम के साथ होना था, अब तक क्या क्या होता था सबको मालूम है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन हम पीसफुल कम्युनिटी है, हम कानून के दायरे में रहने वाले लोग हैं, हम इसीलिए आज यहाँ DDPI के पास है। DDPI की इतनी शर्मनाक वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास, शर्मनाक बात रहने के बावजूद भी हम डेमोक्रेटिक वे में यहाँ पर आए हुए हैं। अगर हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं आप लोगों को, तो ये बात आप लोग समझना है।